जी 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 नहीं देखिए ये ऐसी बात नहीं है, इस्लामाबाद आपका कैपिटल है और यहाँ पे अगर आप इश्यूज़ को और यहाँ पे सारे इदारे भी मौजूद हैं तो वफाक की ज़िम्मेदारी होती है वफाकी इदारों की कि वो एक मजमूई तौर पर इस तरह की बिग टेंट कॉन्वर्सेशन यानी कि कॉन्फ्रेंस को का इनेकाद करें। इस्लामिक रिलीफ और NDRMF दोनों ज़िम्मेदार इदारे हैं जिनके पैर हर सूबे में और हर कम्युनिटी में हैं, ख़ास तौर से जब डिज़ास्टर ज़्यादा हिट होता है। तो बिल्कुल आपने ये अलग बात है कि देखिए 53 डिग्रीज मैंने तो कल सोशल मीडिया पे डाला कि मोहनजोदड़ो में हो गया। आप बताएं इस इतने हाई टेम्परेचर में कौन से क्रॉप्स बढ़ेंगे, कौन सी आपकी रूरल इकॉनमी चल पाएगी और हमारी एग्रीकल्चर फसल इस वक्त फसलें काफ़ी मुतासर हो रही हैं और ये क्लाइमेट स्ट्रेस के शाखस आने हैं। मरगला आप इस्लामाबाद में खड़े हैं, यहाँ का जो आपने फायर देखी मरगला में इतनी लंबी चली, इतने दिन लगे उसको लड़ते लड़ते उसको रोकते रोकते, तो ये बहुत हमारे लिए एक अलमिया है और लम्हा फिक्रिया है कि हम इन पर इन इश्यूज़ को कनेक्ट भी करें और उनके जो जो भी मुतासर इलाके हैं उनके लिए एडप्टेशन और रेजिलियंस की तामीर की बात करें। सिंध में तो इस वक्त 2.1 मिलियन हाउस होल्ड्स का प्रोजेक्ट चल रहा है क्योंकि वहाँ ज़्यादा मुतासर थे और वहाँ मिल्कियत भी दी जा रही है, मालकियत भी घर की दी जा रही है, जो जो नए रेजिलियंट हाउसिंग बन रही है। पर मैं समझती हूँ दूसरे सूबों को भी इसमें शुरुआत करनी होगी क्योंकि ये काफ़ी नहीं है कि लोगों को टेंटों से निकाल दें, वो फिर बेयार और मददगार ही होते हैं और हर सूबे में कोई ना कोई। आज अभी फ्लड रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर से बात हुई, फ्लड कमीशन के दफ्तर से बात हुई कि फिर कुछ सैलाब की कैफियत होगी और प्रिडिक्शन है, लेकिन ये नहीं पता कि कितना और कहाँ का। ज़ाहिर है सिंध एंड बलूचिस्तान में तो होगी, हम लोअर रायपेरियन हैं तो सब ने तैयारी तो पकड़नी होती है, लेकिन ये आज ये कहना क्योंकि आलमी सतह पर ये कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इसलिए इस्लामाबाद का होना ज़रूरी है, यहाँ पे ये कहना ज़रूरी है कि क्लाइमेट जस्टिस जो है ये अभी भी हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि ये जो गरमाइश है ये इंतहा हमने नहीं क्रिएट की है। कल हम सारी अपनी इमिशंस बंद भी कर दें तो गर्मी आपकी कम नहीं होने वाली। कमेंट्स कर दीजिएगा जो ग्राउंड वाटर का लेवल डे बाय डे कम होता जा रहा है, जी जी रिसेंटली भी यही इत्तला आ रही है इस हवाले से। देखिए यहाँ UN ने तो कहा है 2025 तक वाटर स्केसिटी का अंदिया दिया है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जितना ग्राउंड वाटर है सरफेस वाटर है आप इसे कम से कम इस्तेमाल करें, कंजर्वेशन की आदत डालें और पानी के ज़िया के हवाले से सोचें। मतलब अशराफिया से लेके गरीब मोहल्लों तक आप देखेंगे हर जगह गली मोहल्ले में पानी ज़ाया हो रहा होता है, अगर टैप है वो खुला हुआ है, यहाँ गाड़ियाँ धो रहे हैं तो पता नहीं ऐसे धो रहे हैं कि फवारे चल रहे हैं, इस तरह तो आप नहीं कर सकते ना। लोगों में एक ज़िम्मेदार शहरियत क्लाइमेट शहरी बने तो ही आपका पानी और आपके वसाइल आपको फिर कुछ दे सकेंगे, आप उनको इस्तेमाल कर कर के ख़त्म ना करें, ये इन्फिनिट नहीं है जी। जी देखिए इसमें मैंने जब कभी इस इशू को एक्सप्लोर किया, माफिया तो नहीं होती है, होता ही है कि लोग अपने माचिस छोड़ जाते हैं या कोई ना कोई चीज़ छोड़ जाते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ हम गिरफ्तारियां भी हुई इस बात के हवाले से कि कुछ दरख्त काट के ना फिर उसको डिसगाइज कर देते हैं कि आग लगी उस इलाके को, या फिर उनको ख़ुद उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, रोज़गार नहीं मिला पूरे अमले में, तो वो गुस्से में ही अक्सर हमें
اطلاع عجیب و غریب بات ہے لیکن اطلاع یہ ہوئی لیکن میں نہیں سمجھتی ہوں 24 کے 24 کیا کوئی مافیا ہے یہ برن سیزن ہے یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے اس دفعہ زیادہ ہے یہ تو توقع تھی آپ کی اور یہ گرمی کی وجہ سے اور پھر جب ہوا چلتی ہے آپ اسے روک نہیں پاتے تو یہ سچویشن ہے تھینک یو تھینک یو ویری مچ